हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है, 5 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का। द आउटपुट वाई ऑफ द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो इज जीरो ओनली व्हेन, कब जीरो होगा ये पूछ रहा है। ऑप्शंस दिया हुआ है, ए बी है ना, ए बी का ऑप्शन सब ये दिया हुआ है कि कौन सा ए और बी का वैल्यू लें जिससे कि हमें आउटपुट यहाँ पे फाइनल जीरो मिले। तो उसके लिए पहले इस लॉजिक गेट का जो फाइनल आउटपुट आएगा ना, ए बी के टर्म में और वन के टर्म में, वो हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो इधर से ए आया, इधर से बी आया, तो ये तो और गेट है ना, ये तो और गेट है। तो और गेट का आउटपुट क्या लिखा जाता है, ए प्लस बी, दोनों अगर आया इनपुट तो जो भी इनपुट आया उसको प्लस के टर्म में लिखा जाएगा। और ये क्या है, ये तो एंड गेट है। तो अगर ये एंड गेट है तो एंड गेट में जो भी इनपुट आता है ना उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा जाता है। इधर से बी आया, इधर से वन आया, तो इसका आउटपुट क्या लिखेंगे, बी इंटू वन। तो इधर से जो जाएगा ना, अब ये वाला, ये तो और गेट है, तो यहाँ से ए प्लस बी जाएगा और इधर से बी इंटू वन जाएगा, तो ये भी और गेट है, तो इसका भी आउटपुट जो आएगा वो एडिशन के फॉर्म में आएगा ना। तो ए प्लस बी, एक इनपुट ये आया था, दूसरा इनपुट आया था बी इंटू वन। तो आपको यहाँ से वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस बी, तो यहाँ से प्लस बी इंटू वन, ठीक है, ये आया। तो अब यहाँ से बी इंटू वन तो बी रहेगा, तो ए प्लस बी प्लस बी। अब ये जो ए प्लस बी है ना, इस बी प्लस बी को एक साथ कर दो, तो बी प्लस बी तो बी रहेगा, तो यहाँ से फाइनल जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस बी। तो फाइनल आउटपुट ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या है, एक और गेट है, ठीक है। तो अगर आप और गेट में जीरो और वन रखेंगे ना तो आपको वन मिलेगा, वन और जीरो रखेंगे तब भी आपको वन मिलेगा, वन प्लस वन रखेंगे तब भी आपको वन ही मिलेगा। तो जीरो और जीरो रखने पे ही आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। तो फाइनल आउटपुट जो है ना जीरो, ये जीरो तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों क्या हो, जीरो हो, और ए और बी दोनों जीरो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर वन। सो ऑप्शन नंबर वन इज राइट आंसर।